दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 मिस्टेक्स की जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहा था तो मैंने भी ये मिस्टेक्स की थी, इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना पा रहा हूँ। तो इससे पहले कि आप ये गलतियाँ करें, आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो इन 10 मिस्टेक्स में सबसे पहली मिस्टेक्स आ जाती है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड वाया बैंक्स। इस पॉइंट को मैंने सबसे पहला पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोगों को सबसे पहले बैंक ही याद आता है, क्योंकि आपका पैसा भी बैंक में रखा हुआ है। आपने अगर FD खुलवाई थी तो वो भी बैंक जाके खुलवाई होगी, आपने PPF अकाउंट अगर खुलवाया होगा तो वो भी बैंक के थ्रू खुलवाया होगा। तो लोगों को लगता है कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो भी बैंक जाके ही होगा। तो अगर आपका भी ऐसा सोचना है, आपका भी ऐसा मानना है, तो आप अपनी लाइफ की एक बड़ी गलती करने जा रहे हैं। वैसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इस टॉपिक पे कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखिए तो इस वीडियो को जरूर देख लें, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और इसके बाद कभी भी जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आएगी तो आप बैंक जाने की कभी नहीं सोचेंगे। सेकंड मिस्टेक आ जाती है चूजिंग रॉन्ग कैटेगरी फंड्स। जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो आपका कंफ्यूज होना बहुत नॉर्मल है कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जहां देखें वहां म्यूचुअल फंड ही म्यूचुअल फंड है, अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। और अगर आप बिगिनर हैं तो ये जो म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है, इनको देख के आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे इक्विटी फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, फंड्स ऑफ फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, और इनके अंदर भी सब कैटेगरी आ जाती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, पता नहीं क्या क्या। और अच्छी बात यह है कि मैं इस टॉपिक पे भी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको अभी के लिए बोलूं तो आप फंड्स ऑफ फंड्स और हाइब्रिड फंड्स, इन दोनों में कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि यहां पर जो आपकी ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है। जहां दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स आपको दे रहे होंगे 30% या 35% के रिटर्न्स, वहीं फंड्स ऑफ फंड्स और जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं ये आपको दे रहे होंगे 10 या 12% के रिटर्न्स। और एक तरह के फंड्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड्स जैसे कि आपने टेक्नोलॉजी के कुछ फंड्स देखे होंगे, आपने बैंकिंग के फंड्स देखे होंगे, आपने फार्मा के फंड्स देखे होंगे। तो अगर आप इन सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर में डील करते हैं, ये कभी कभी अपने समय में बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स देते हैं। आप देखेंगे कि आपको 50-60% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। जैसे कि पिछले एक साल में जो IT सेक्टर से रिलेटेड जो सेक्टोरल फंड्स थे उन्होंने 70% तक का ग्रोथ किया। लेकिन अगर आप आज उन्हीं सेक्टोरल फंड्स को देखेंगे, उन्हीं टेक्नोलॉजी फंड्स को देखेंगे, तो वो नेगेटिव रिटर्न्स भी दे रहे हैं। तो ये जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं ये कभी कभी आपके रिटर्न्स को बहुत ज्यादा हाई ले जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा लो भी ले जाते हैं। तो आपका जो ओवरऑल एवरेज रिटर्न्स होते हैं ये काफी कम हो जाते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको सेक्टोरल फंड्स भी अवॉइड करने चाहिए। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और इक्विटी के अंदर भी जो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें। फ्लेक्सी कैप के बाद आते हैं लार्ज कैप, जिनको आप ब्लू चिप फंड्स भी कह सकते हैं। और भी फंड्स आते हैं जैसे लार्ज कैप एंड मिड कैप, जिनमें लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज दोनों होती हैं। तो अगर आप इन टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी प्रोफाइल के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी चूज कर सकते हैं। अपना थोड़ा सा अमाउंट आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छे ग्रोथ देते हैं, लेकिन इन पर रिस्क थोड़ा सा हाई होता है। तो अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं तो इतना रिस्क तो आप ले ही सकते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टिंग ऑल अर्निंग्स एट वंस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास जितनी भी सेविंग्स आज के टाइम पे रखी हुई है वो सारी सेविंग्स आप इकट्ठे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, फिर चाहे वो सारी सेविंग्स आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखी हो, चाहे FD की फॉर्म में रखी हुई हो, ऐसा करना आपके लिए थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये भी सोचना है कि अगर आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो पैसा आपके पास कहां से आएगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी मंथली नीड्स के कुछ पैसे साइड रखने होंगे। ये 2 महीने के पैसे भी हो सकते हैं, ये 3 महीने के पैसे भी हो सकते हैं। वैसे तो आप फ्री हैं, आप कभी भी अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करवा सकते हैं, लेकिन रिडीमशन रिक्वेस्ट डालने के बाद भी लगभग 3-4 दिन या कभी कभी 5 दिन भी लग जाते हैं कि वो पैसा वापस आपके अकाउंट में आए। और सबसे अच्छा वैसे ये होगा कि आप एक क्रेडिट कार्ड अपने पास हमेशा बनवा कर रखें, क्योंकि जितने भी बिल्स होते हैं, जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, आप वो पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और जब भी आपके पास पैसा आएगा तो उस पैसे से आप अपने हिसाब से कभी भी क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट के लिए आपको अच्छा खासा समय मिलता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टिंग ऑल अमाउंट इन वन म्यूचुअल फंड। मैं खुद ये गलती कर चुका हूं, इसलिए आपको भी समझा रहा हूं। जब मैं गलती कर रहा था तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, और वो ये कि आप अपना सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में ना डालें, डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्स रखें। अभी डाइवर्सिफाइड होने का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफाइड होने का मतलब कि जब भी आप एक म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यानी कि आपने एक टाइप के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए वो एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड था तो आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपना सारा पैसा डाल दिया। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर 10-15 की जो कंपनीज हैं जो लार्ज कैप में आती हैं उनके अंदर आपका सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखें, तो आपको जो ग्रोथ मिलती है सिर्फ उन 10-15 कंपनीज के हिसाब से मिलती है। तो जब भी आप एक सेकंड म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, मान लीजिए आपने लार्ज कैप की जगह आपकी बार एक फ्लेक्सी कैप फंड चूज कर लिया, फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप,
इन सभी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड रहेगा। तो जो फंड मैनेजर होगा वो इन तीनों जगह में से अलग अलग कंपनीज चूज करके आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब आपका जो पैसा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टेड है, तो आपको जो ग्रोथ मिलती है इन सभी कंपनीज के हिसाब से मिलती है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स हो जाता है। तो ये हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में ना डालें, आप दो या तीन अलग अलग म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। और अगर कोई एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जो ग्लोबल कंपनीज में भी आपका पैसा इन्वेस्ट करवाता है, तो ये और भी अच्छा है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करें या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप एक ही बारे में म्यूचुअल फंड परचेज कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके इंस्टॉलमेंट में भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं इनको बोलते हैं एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आ जाता है वो ये आ जाता है कि क्या वो पैसा लमसम में इन्वेस्ट करें या फिर वो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, इन दोनों में से बेहतर क्या रहेगा। ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत अच्छा सवाल है, और इसको कंप्लीट डिटेल में समझाने के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अभी के लिए मेरे पास एक सिंपल सा आंसर है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं, आपको ज्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है और आप स्टॉक मार्केट पर ज्यादा ट्रैक नहीं रख पाते हैं, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हमेशा एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। यानी कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपने सभी म्यूचुअल फंड्स में करते रहें, मार्केट हाई हो या लो हो इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट जब हाई होगी तब भी आप परचेस कर रहे होंगे, मार्केट जब लो होगी तब भी आप परचेस कर रहे होंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो एवरेज होता है ये एवरेज अच्छा मेंटेन हो जाता है, तो आपको लॉन्ग टर्म्स में काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ लमसम इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। मान लीजिए आपने आज ही लमसम में कुछ इन्वेस्ट किया और एक हफ्ते बाद मार्केट काफी ज्यादा गिर गई, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो आपके रिटर्न्स होते हैं, ये भी काफी ज्यादा गिर जाते हैं और उनको रिकवरी में काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें। सिक्स पॉइंट आ जाता है, पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छा है या बुरा है इसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उस म्यूचुअल फंड के जो पास्ट रिटर्न्स हैं, पास्ट 3 इयर्स, 4 इयर्स या 5 इयर्स के रिटर्न्स हैं, उनको चेक करते हैं। तो आपके लिए ये भी समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस म्यूचुअल फंड को आप चेक कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड ने जो पास्ट में परफॉर्मेंस दी थी, जरूरी नहीं है कि वो सेम रिटर्न्स या सेम परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर में भी देने वाला है। मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोची सिर्फ इसलिए क्योंकि उस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में लगभग 40% के रिटर्न्स दिए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो अगले साल भी आपको 40% के या 45% के रिटर्न्स दे देगा। मार्केट कभी भी सेम नहीं रहती, कभी मार्केट बहुत ज्यादा हाई होती है, कभी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। तो ये जो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस होती है ये भी क्योंकि मार्केट पे ही डिपेंडेंट होती है। तो जिस म्यूचुअल फंड ने पिछले साल 40% के रिटर्न्स दिए थे, हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड अगले साल सिर्फ और सिर्फ 10% के ही रिटर्न्स दे। तो किसी भी म्यूचुअल फंड को आप पिछले एक दो साल के रिटर्न्स के हिसाब से चूज नहीं कर सकते, आपको उस म्यूचुअल फंड के जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं, यानी कि 5-6 साल में उस म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, आपको उस म्यूचुअल फंड को उसी हिसाब से चूज करना चाहिए। सेवन पॉइंट आ जाता है, इन्वेस्टिंग इन एनएफओ। जब भी एक नया म्यूचुअल फंड मार्केट में आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे बोलते हैं एनएफओ, यानी कि न्यू फंड ऑफर। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, जब भी कोई कंपनी पब्लिक होती है तो उस टाइम पे उस कंपनी का आईपीओ आता है। अब क्योंकि ये एक एनएफओ है, एक न्यू फंड ऑफर है, तो इसका कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता, तो आप इस म्यूचुअल फंड की कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देख सकते। साथ ही साथ जो ये एनएफओ आया है, हो सकता है इस एनएफओ को मैनेज करने के लिए एक नया फंड मैनेजर कंपनी ने हायर किया हो, तो उस फंड मैनेजर की जो पास्ट परफॉर्मेंस है, हो सकता है कि वो भी उसका रिकॉर्ड भी आपके पास ना हो। अब आप कहेंगे कि यार कभी ना कभी तो कोई म्यूचुअल फंड मार्केट में नया आया होगा ना, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी। तो आपका ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो पास्ट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे समय में एक एनएफओ में इन्वेस्ट करना, एक न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करना आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। एट्थ मिस्टेक आ जाती है, नॉट अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस ऑन म्यूचुअल फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने निकले हैं लेकिन आपके म्यूचुअल फंड में लगने वाले टैक्सेस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अब क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो फ्यूचर में आगे चल के इसको मैं काफी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ के चलिए कि टैक्सेस दो तरह के होते हैं, STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और दूसरे होते हैं LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए उस म्यूचुअल फंड से आप एक साल से पहले पहले एग्जिट मार जाते हैं, आपने एक साल से पहले ही उस म्यूचुअल फंड को रिडीम करवा लिया है, तो इस म्यूचुअल फंड से जो आपको रिटर्न्स मिले हैं, मान लीजिए आपको 10,000 के रिटर्न्स मिले हैं, तो इन 10,000 पे लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये उतना ही टैक्स लगेगा जितना आपका टैक्स स्लैब है। अगर आपका टैक्स स्लैब 10% है तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि 1,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आपका टैक्स स्लैब 30% है तो आपको 10,000 रुपए 3,000 रुपए के टैक्सेस पे करने पड़ेंगे 30% के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को रिडीम करवाते हैं एक साल के बाद, तो इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पे लगते हैं LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका काफी ज्यादा फायदा है, क्योंकि यहां पर जो आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं वो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं उस अमाउंट पे जो कि 1,00,000 से एक्सीड करता है। मान लीजिए आपको रिटर्न्स मिले हैं 90,000 रुपीज, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अगर आपको रिटर्न्स मिले हैं मान लीजिए 1,10,000 रुपए, तो आपको 1,10,000 रुपए में से 1,00,000 रुपए अगर हम माइनस कर देते हैं जिसपे टैक्स नहीं लगेगा, तो अब आपके पास बचते हैं 10,000 रुपए। तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो इन 10,000 रुपए पे फ्लैट 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को एक साल से कम के लिए होल्ड करके रखते हैं तो आपका काफी ज्यादा नुकसान है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं,
क्योंकि उस पर LTCG लग रहा है, तो यहाँ पर आपका काफी ज्यादा फायदा है क्योंकि आपको टैक्सेस बहुत कम पे करने पड़ते हैं। नाइन्थ पॉइंट आ जाता है इन्वेस्ट कीपिंग इन माइंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप म्यूचुअल फंड में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल देखा कि आपको 30% के रिटर्न मिल गए हैं तो आप उससे एग्जिट मार के फिर किसी नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसा करना आपके लिए सही नहीं होगा। जैसे मैंने इस वाले पॉइंट से पहले बताया था कि ऐसा करने से उस म्यूचुअल फंड पे आपको देने पड़ेंगे STCG टैक्सेस। दूसरी तरफ जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड पहले साल में ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। हो सकता है कि पहले साल में खाली 10% के रिटर्न्स दे, हो सकता है कि अगले साल में वो 30% के रिटर्न्स देने वाला हो। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपके जो एवरेज रिटर्न्स होते हैं वो काफी अच्छे हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड में कम से कम 4-5 साल या 6 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, कुछ लोग तो 20 साल या 25 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखते हैं और फाइनली जब वो देखते हैं कि 25 साल बाद उनको रिटर्न जो मिलते हैं वो काफी ज्यादा रिटर्न होते हैं, जो कि करोड़ ऑफ रुपीज में भी हो सकते हैं। 10th और आखिरी पॉइंट आ जाता है हैव पेशेंस। और सबसे आखिरी बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा पेशेंस रखने होंगे। हो सकता है कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है वो म्यूचुअल फंड अगले 5 महीने या 6 महीने में आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे, तो ऐसे में अधिकतर लोग पैनिक कर जाते हैं और उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां पर आपके रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव जा रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता, म्यूचुअल फंड आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही देगा, बस आपको थोड़े से पेशेंस रखने होंगे। इवन कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे थे जो कि मैं कोरोना के लॉकडाउन से पहले लगभग 2 साल पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन जब कोरोना के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा था, क्योंकि उस टाइम स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा डाउन हुई थी, तो उन म्यूचुअल फंड्स के जब रिटर्न्स मैंने कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे चेक किए तो उसके रिटर्न्स मुझे नेगेटिव देखने को मिले थे। लेकिन मैंने वहां से एग्जिट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि ये म्यूचुअल फंड्स हैं और ये स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट तो वापस ऊपर आनी ही आनी है, जो कि ऐसा हुआ भी। और पिछले 1 साल में उन्हीं म्यूचुअल फंड्स ने मुझे 40-45% के रिटर्न्स दिए थे। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हमेशा याद रखिए कि आपको पेशेंस यहाँ पे रखने ही होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिले। तो दोस्तों ये थी वो चीजें, वो 10 कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कर देते हैं। इनमें से 6-7 मिस्टेक्स मैंने भी की थी, इसलिए मैं सारी मिस्टेक्स आप लोगों के सामने शेयर कर पाया। आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप सही तरीके से वाइजली चूज कर पाएंगे कि आपके म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे चूज करने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं और अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में शेयर करके मुझे जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।